हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा मलेशिया वुमेन और इंडियन वुमेन के बीच में होने वाला वुमेन एशिया कप T20 का मैच, जो कि कुआलालंपुर में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये बांग्लादेश वुमेन और श्रीलंका वुमेन का मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ और ना मैं इसमें खेलने जा रहा हूँ, और पाकिस्तान वुमेन और थाईलैंड वुमेन का भी नहीं बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मलेशिया वुमेन और इंडियन वुमेन का जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, इनका ड्रीम 11 टीम और क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमें लेकर उतर सकती हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको ड्रीम 11 टीम और प्लेइंग 11 बताऊं, मगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिलेगा और आप उससे फ़ायदा उठा पाओगे। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। फ्रेंड्स, इंडियन वुमेन की बात करें तो स्मृति मंदना ओपन करेंगे, उनके साथ मिथाली राज, फिर जेमिमा रॉड्रिग्वेज, हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है, वेदा कृष्णमूर्ति, दीप्ति शर्मा, तानिया भाटिया, एकता बिष्ट, झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे और पूनम यादव, ये प्लेइंग 11 है जो कि इंडियन वुमेन टीम लेकर उतर सकती है। अब बात करें फ्रेंड्स मलेशिया वुमेन की, तो बहुत मुश्किल है इनका प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट प्लेइंग 11 दूँ जो कि खेले। हो सकता है कि एक दो प्लेयर मिस हो जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स ये लोग बहुत कम मैच खेलते हैं और उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, इसलिए कुछ एक दो प्लेयर स्किप हो सकते हैं। लेकिन मैं जो बेस्ट आपको बताने जा रहा हूँ, यूसरीना याकूब जो कि ओपन करेंगी, उनके साथ क्रिस्टीना बैरेट ये भी ओपन करेंगी, विनिफ्रेड एने जो कि कैप्टन, मास एलिसा, इंतान जमी जमाहिदायु जाफर, वैन जूलिया, सासा आजमी, जुमिका आजमी, माहिरा इस्माइल, अरीना नतासिया और ऐना हमीजा हाशिम, ये प्लेइंग 11 हो सकती है मलेशिया वुमेन की। फ्रेंड्स, मैंने जो आपके टॉप के 7-8 प्लेयर बताए हैं वो लगभग कंफर्म है खेलने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अब ड्रीम 11 टीम की। मैं फ्रेंड्स इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं यूं ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आइए कि मैं फ्रेंड्स बता दूं कि मैं स्मॉल लीग के लिए ये बना रहा हूँ, ये टीम जो कि है स्मॉल लीग के लिए है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं विकेट कीपर में, दो ऑप्शन है क्रिस्टीना बैरेट और तानिया भाटिया। तो क्रिस्टीना बैरेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये ओपन करेंगे, इसलिए आप इन्हीं के साथ जाएँ। तानिया भाटिया बिल्कुल लोअर ऑर्डर में बैटिंग करती हैं, और फ्रेंड्स क्योंकि अगर इंडिया ने पहले बैटिंग किया तो उम्मीद है कि ज़्यादा रन बनेंगे, और अगर मलेशिया ने पहले बैटिंग किया तो बहुत लो स्कोरिंग गेम हो सकता है, 60-70 रन पे ऑल आउट हो सकती है मलेशिया वुमेन की टीम। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्रिस्टीना बैरेट जो कि ओपन करेंगी। उसके बाद बैट्समैन में स्मृति मंदना ओपन करेंगी, मिथाली राज उनके साथ, यूसरीना याकूब ये भी ओपनर है, और जेमिमा रॉड्रिगो जो कि फर्स्ट डाउन पर खेलेंगी। तो ये मैंने 4 बैट्समैन पिक किए हैं जो कि टॉप ऑर्डर के हैं। अगर लो स्कोरिंग गेम भी होता है तो इन 4 बैट्समैन को बैटिंग मिलने का पूरे चांसेज हैं। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, लेकिन क्रेडिट ना होने की वजह से इनको मैं रख नहीं पाया हूँ, ऑलराउंडर्स हैं जो कि, और बैट्समैन में बता दूं और आपको वेदा कृष्णमूर्ति ये एक अच्छी ऑप्शन है। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो सासा आजमी एक अच्छी ऑलराउंडर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं, लेकिन क्रेडिट ना होने की वजह से फ्रेंड्स मैं इनको रख नहीं पाया हूँ। दीप्ति शर्मा के साथ भी वही सीन है कि क्रेडिट ना होने की वजह से इनको रख नहीं पाया। हालांकि अगर बात करें, अगर मलेशिया वुमेन ने पहले बैटिंग किया तो बहुत कम चांस है कि इनको बैटिंग मिलेगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर में बैटिंग करती हैं, इसलिए मैं इनको भी स्किप कर रहा हूँ। विनफ्रेड एने और जुमिका आजमी को मैंने रखा है ऑलराउंडर में, ये दो ऑलराउंडर मैंने रखे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बॉलर में, तो झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और एकता बिष्ट, ये 3 इंडियन बॉलर रखे हैं। फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन बॉलर रखें, क्योंकि ज़्यादा विकेट गिरने के चांस है, बहुत जल्दी इंडियन टीम ऑल आउट कर सकती है। तो आप कोशिश करें कि वो ऐसे बॉलर 3-4 बॉलर इंडिया के रखें कि वो सारे विकेट जो बॉलर लें वो आपकी टीम में हो। और जो चौथा बॉलर फ्रेंड्स मैंने लिया वो है ऐना हमीजा, तो ये चौथे बॉलर हैं। फ्रेंड्स बता दूं कि आप ये जो, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग किया तो हो सकता है हाई स्कोरिंग गेम हो, लेकिन अगर मलेशिया ने पहले बैटिंग किया तो ज़रूर लो स्कोरिंग गेम हो सकता है। तो ये तो थी टीम फ्रेंड्स। आइए अब बात करते हैं कैप्टन, मैंने स्मृति मंदना को बनाया क्योंकि मलेशिया से मैच है तो उम्मीद है कि अच्छी बैटिंग करेंगी और ज़्यादा रन स्कोर करेंगे, और वाइस कैप्टन विनफ्रेड एनी को जो कि ऑलराउंडर हैं तो बैटिंग और बॉलिंग से कुछ दे सकती हैं,
तो इसलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया है फ्रेंड्स। और कोशिश करें कि अगर आप वाइस कैप्टन या कैप्टन इंडियन बॉलर को बनाएं तो और बेहतर है। झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, एकता बिष्ट, जिन्हें आप बनाना चाहते हैं उन्हें बना सकते हैं। बॉलर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना इस मैच में बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इंडियन टीम की जो बॉलिंग है काफ़ी अच्छी है और बहुत जल्दी ऑल आउट कर सकती है। तो आप इन तीनों बॉलर में से ही जिन्हें भी चाहें उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की टीम, एक बार आइए प्रीव्यू देख लेते हैं। सी बैरेट, स्मृति मंदम, मिथाली राज, रॉड्रिग्वेज, याकोब, WNA, जे आजमी, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, एकता बिष्ट और ए हमीजा। तो फ्रेंड्स ये है ड्रीम इलेवन टीम आज की। फ्रेंड्स हो सकता है कि एक एक प्लेयर इसमें से कोई ना खेले, तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि पता नहीं है कौन प्लेयर खेल सकता है मलेशिया की तरफ से। लेकिन मैं पूरी कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स कि आपको एक अच्छी टीम दूँ जो कि 100% जो प्लेइंग 11 मैंने बनाया वो खेले। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।